पारंपरिक पोशाक, क्या आपने कभी अपने स्टेट या भारत के किसी भी स्टेट का ट्रेडिशनल ड्रेस पहना है? अपना रिच कल्चर और हेरिटेज के लिए जाने जाने वाला भारत दुनिया की मोस्ट डाइवर्स कंट्री है। यूनाइटेड बाय हार्ट आज इंडियन फेडरेशन में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। सभी स्टेट्स की अपनी अलग पहचान है, फिर चाहे वो अलग लैंग्वेज हो, फूड हो या पहनावा। जी हाँ, भारत के इन राज्यों के स्टनिंग ब्यूटीफुल ट्रेडिशनल पोशाक किसी को भी मेस्मराइज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडियन स्टेट्स के ट्रेडिशनल ड्रेसेस के बारे में। माय नेम इज फेनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, भारत में कपड़ों का इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से है। पुरातत्व अवशेषों से पता चला है कि उस समय पुरुष सिंगल लंबा कपड़ा पहनते थे जो उनकी पीठ की तरफ बंधा होता था, जबकि महिलाएं कमर को छोड़कर घुटनों तक लंबे स्कर्ट पहनती थी। तब से लेकर आज तक भारत के ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स काफी हद तक इवॉल्व हुए हैं। भारत के सभी राज्यों के अपने अलग ट्रेडिशनल ड्रेस और फैशन कल्चर है, सभी के बारे में सेपरेटली बात करेंगे। तो शुरुआत करते अल्फाबेटिकली। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश। कोहिनूर ऑफ इंडिया कहा जाने वाला आंध्र प्रदेश अपनी कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल और वीविंग एंड डाइंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यहाँ करीबन 3000 साल पहले ट्रेडिशनल बुनाई की तकनीक विकसित हुई थी। आंध्र प्रदेश में पुरुष ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप में धोती और कुर्ता पहनते हैं। धोती पूरे भारत में पुरुषों द्वारा सबसे फेमस और सबसे ज्यादा पहने जाने वाली ड्रेसिंग स्टाइल है। धोती के अलावा यहाँ लुंगी भी पहनी जाती है। धोती और लुंगी में बेसिकली मेन डिफरेंस यही है कि धोती में कपड़े को कमर पर लपेटकर दोनों टांगों के बीच से बांधा जाता है, जबकि लुंगी में सिर्फ कपड़े को कमर पर लपेटा जाता है। इसके साथ ऊपर पहने जाने वाला कुर्ता ज्यादातर कॉटन से बना होता है, जबकि आंध्र प्रदेश में महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी। बट यहाँ लड़कियाँ शादी से पहले हाफ साड़ी, जिसे लंगा वोनी भी कहा जाता है, वो पहनती है, जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्कर्ट, ब्लाउज और दुपट्टा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की टेक्सचर और कलर से समृद्ध साड़ियाँ जैसे कि धर्मावरम साड़ी, मंगलगिरी साड़ी, उपड्डा साड़ी और वेंकटागिरी साड़ी पॉपुलर साड़ीज में से एक है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल आंध्र प्रदेश कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। कपड़ों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मैसिव कल्चरल डाइवर्सिटी है। एक ट्राइबल स्टेट होने के कारण यहाँ 26 मेजर ट्राइब्स और 100 से भी ज्यादा सब ट्राइब्स हैं। उन सभी के अपने अलग ट्रेडिशन और रीति रिवाज है। अरुणाचल प्रदेश में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में ग्रीन लुंगी, जिस पर रेड, येलो और व्हाइट स्ट्रिप्स बनी होती है वो, और ऊपर मैचिंग स्लीवलेस सिल्क शर्ट का समावेश होता है। एंड इसके साथ याक के बालों से बनी टोपी, जिसे गुरदाम कहा जाता है, वो इनके को और भी ज्यादा एलिगेंस बनाती है। जबकि अगर बात करें फीमेल ड्रेसिंग की तो वो स्कर्ट के साथ स्लीवलेस कमीज और ऊपर से एम्ब्रॉयडरी वाली पूरी बाजू की जैकेट पहनती है। कमर पर बेल्ट अरुणाचल की महिलाओं के कॉस्ट्यूम का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और लास्ट में लोकल ट्राइबल ज्वेलरी के साथ वो अपना लुक कम्प्लीट करती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल अरुणाचली कॉस्ट्यूम। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम की सुंदरता ना सिर्फ वहाँ की शांति और हरियाली में है, बल्कि वहाँ के लोगों के अपने पारंपरिक कपड़े पहनने के तरीके में भी है। आसामीज पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में सिंपल धोती कुर्ता होता है और साथ में होता है गमोसा, जो कि आसामीज कल्चर में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। गमोसा एक रेक्टेंगुलर सफेद कपड़ा है जिसके सराउंडिंग में सुंदर लाल बॉर्डर होती है, जबकि आसामीज लेडीज मेखेला सादोर नामक ट्रेडिशनल ड्रेस पहनती है। स्पेशल पात, मुगा और एरी सिल्क बनने वाली ये टू पीस ड्रेस आसामीज महिलाएं बड़ी चाव से पहनती है। मेखेला लोअर पोर्शन होता है और साडोर जो कि अपर पोर्शन होता है, जिसे स्पेशल ट्रायंगुलर फोल्डिंग टेक्निक से पहना जाता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल आसामीज कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। दोस्तों, अंडमान निकोबार के ट्राइबल लोग ज्यादातर अपने शरीर को नहीं ढकते। हालांकि फिलहाल मोस्ट ऑफ लोग बाकी दुनिया के संपर्क में आए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहरी दुनिया से एकदम अलग हैं, खासकर सेंटिनलिस ट्राइब्स, और वो कोई कपड़ा नहीं पहनते। वो एप्रोन, छाल और पत्तों की पोशाक पहनते हैं। पुरुष सिर्फ कमर और जांघ के हिस्से को कवर करते हैं, जबकि महिलाएं स्कर्ट टाइप कपड़ा पहनती है, और यहाँ सी शेल से बने लोकल ट्राइबल गहने पहने जाते हैं।
है। हालांकि यहाँ रहने वाली दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपने हिसाब से ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं। चलिए अब बात करते हैं बिहार की, नोन एज लैंड ऑफ बुद्धा। बिहार के लोगों ने अपनी प्राचीन परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को आज भी जीवित रखा है। बिहारी लोगों के त्योहार, गीत और वेशभूषा वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। बिहारी पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में भी धोती और कुर्ता होता है, सिमिलर टू मोस्ट ऑफ द स्टेट। लेकिन बिहार के मिथिला रीजन के मैथिली लोगों में स्पेशल पाग पहनी जाती है, जो कि मैथिली कल्चर में सम्मान का प्रतीक है। बिहारी महिलाओं की ट्रेडिशनल ड्रेस है साड़ी। बिहार में साड़ी को सीधा आंचल स्टाइल में पहना जाता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल बिहारी कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज छत्तीसगढ़। कई सारे अलग अलग ट्राइबल और इथनिक समूह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत है, स्पेशली उनके यूनिक कपड़े और परिधान। छत्तीसगढ़ के ट्राइबल ट्रेडिशनल ड्रेस में पुरुष कॉटन, जूट या लिनेन से बनी धोती और उसके साथ स्लीवलेस जैकेट पहनते हैं एंड सिर पर कॉटन की पगड़ी पहनी जाती है, जबकि महिला स्पेशल कछोरा स्टाइल में साड़ी पहनती है। छत्तीसगढ़ में साड़ी को लुगड़ा और ब्लाउज को पोलखा कहा जाता है, जो ब्राइट और वाइब्रेंट कलर के कॉटन, सिल्क या लिनेन फैब्रिक से बनाई जाती है। उसके साथ ही लोकल गहने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर बांधा, जो कि एक नेकलेस है जो सिक्कों से बनाया जाता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी कॉस्ट्यूम। और अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली का अपना कोई अलग स्पेसिफिक कल्चर या ट्रेडिशन नहीं है, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले लोग भारत के दूसरे राज्यों से आकर वहाँ बसे हैं। वो सभी अपना अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन दिल्ली में ज्यादातर पुरुष ट्रेडिशनली कुर्ता और पजामा, जबकि महिलाएं सलवार कमीज या साड़ी पहनती है। और नेक्स्ट है गोवा। बात करें इथनिसिटी, कल्चर, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, ट्रेडिशन, फेस्टिवल या पीपल, आपको गोवा की हर एक चीज में यूनिकनेस देखने को मिलेगी। नेटिव गोवन लोगों के ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें तो पुरुष बेसिकली हाफ पैंट के साथ बीच शर्ट पहनते हैं और सिर पर टोपी पहनी जाती है। दिस लुक इज सिंपल एंड स्टनिंग, जबकि महिलाएं स्पेशल नौवारी साड़ी, जिस पर प्रेसियस स्टोन्स जड़े होते हैं, उन्हें पहनती है। इसके अलावा गोवन फीमेल्स ट्रेडिशनल पानो भाजू, जो भी एक टाइप की साड़ी है, उसे भी पहनती है। पानो भाजू पर डिफरेंट कल्चरल डिजाइन बनी होती है। और वहीं गोवन कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों का पहनावा इंडो पोर्टुगीज का मिक्सचर है। गोवन कैथोलिक पुरुष नॉर्मल शर्ट, पैंट और सूट्स, जबकि महिलाएं ड्रेसेस या गाउन्स पहनना प्रेफर करती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल गोवन कॉस्ट्यूम। अगला नंबर है गुजरात का। गुजरात का हर एक एस्पेक्ट वहाँ की रिच ट्रेडिशन और इनक्रेडिबल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। गुजरात के कलरफुल कॉस्ट्यूम भी बाकी इंडिया से थोड़े अलग है। गुजराती पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में केडियू और चोरनो का समावेश होता है। चोरनो एक प्रकार का पैंट या सिली हुई धोती है, जो काफी ढीली और कम्फर्टेबल होती है। एंड चोरनो के साथ ऊपर केडियू पहना जाता है। केडियू एक फ्रॉक टाइप यूनिक कुर्ता है और इसके साथ सिर पर पहना जाता है फेंटो। फेंटो कपड़ों की लेयर्स बना के बांधा जाता है, जबकि गुजराती महिलाएं ट्रेडिशनली चनिया चोड़ी पहनती है। चनिया चोड़ी बेसिकली थ्री पीस ड्रेस है, जिसमें चनिया, जो कि कलरफुल घाघरा है जिस पर मिरर और थ्रेड वर्क किया होता है, चोड़ी जिसे पोलखू भी कहा जाता है, वो शॉर्ट ब्लाउज है जिस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया होता है, और साथ में होती है ब्यूटीफुल ओढ़नी या दुपट्टा, जो लुक को कम्प्लीट करता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल गुजराती कॉस्ट्यूम। ओके, नेक्स्ट है हरियाणा। नॉर्दर्न इंडिया का ये स्टेट इकोनॉमिकली साउथ एशिया के वन ऑफ द मोस्ट डेवलप रीजन्स में से एक है, लेकिन हरियाणवी लोग सिंपल, हम्बल और डाउन टू अर्थ होते हैं। हरियाणवी पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में धोती और कुर्ता ही है, और सफेद धोती कुर्ता यहाँ के स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता है। इसके साथ सिर पर पगड़ी पहनी जाती है और पैरों में वहाँ की ट्रेडिशनल लेदर से बनने वाली जूती, जबकि हरियाणवी लेडीज कुर्ता या शर्ट और घाघरा पहनती है। कुर्ता या शर्ट फुल स्लीव का होता है और घाघरा, जिसे दामन कहा जाता है, वो ब्राइट कलर का और उस पर डिफरेंट पैटर्न्स बनी होती है। ऊपर से ओढ़नी या चुंदर, जिस पर कलरफुल बॉर्डर होती है, वो पहनी जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल हरियाणवी कॉस्ट्यूम।
अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के हाथों से बुने हुए गर्म और आरामदायक कपड़े देश विदेश से आने वाले टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। टोपी से लेकर कपड़े और कपड़ों से लेकर फुटवेयर तक दोज ऑल आइटम्स आर लिटरली ब्यूटीफुल। हिमाचल प्रदेश में पुरुष अपने ट्रेडिशनल पोशाक के रूप में चूड़ीदार पजामा और कुर्ता पहनते हैं और ऊपर से सिल्क का लंबा ओवरकोट। ये ओवरकोट याक लेदर और गोल्डन धागों से बना होता है जो उन्हें गर्म रखता है। सिर पर हिमाचली टोपी पहनी जाती है जो स्पेशल कलर डाइंग से बनती है और उस पर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, जबकि महिलाएं लंबा कुर्ता जो उनके गर्दन से लेकर पैरों तक जाता है वो सलवार के ऊपर पहनती है। सिर पर लंबा स्कार्फ जिसे राहिदे कहा जाता है वो पहना जाता है और ठंड से बचने के लिए शॉल ओढ़ी जाती है, खासकर वहाँ की फेमस पश्मीना शॉल। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल हिमाचली कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए जाने जाने वाले जम्मू कश्मीर में आप रिच एंड यूनिक कल्चर और ट्रेडिशन को एंजॉय कर सकते हैं, जो यहाँ के अलावा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है चूड़ीदार पजामा के साथ फेरन, जो कि दोनों ही हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा पहना जाता है। फेरन एक लंबा ढीला कुर्ता है जो पैरों तक लंबा होता है। हिंदू मेल्स फेरन के साथ पगड़ी जबकि मुस्लिम मेल्स स्पेशल टोपी पहनते हैं, जबकि कश्मीरी महिलाएं भी ट्रेडिशनली सलवार के साथ फेरन ही पहनती है जिस पर हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई होती है। हिंदू महिलाएं रिस्ट्रिक्टेड स्लीव्स वाले फेरन के साथ तारंगा जो के स्पेशल हेड स्कार्फ है वो, और वहीं मुस्लिम महिलाएं फुल स्लीव वाले फेरन के साथ अबाया पहनती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल कश्मीरी कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम वहाँ के नेचर, कल्चर और लोगों की सिंप्लिसिटी को दर्शाते हैं। ह्यूज ट्राइबल पॉपुलेशन के कारण झारखंड में भी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में काफी डाइवर्सिटी है। झारखंड में ट्राइबल पुरुष वन पीस कपड़ा जिसे भगवन कहा जाता है वो पहनते हैं एंड नॉन ट्राइबल पुरुष ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहनते हैं, जबकि झारखंडी ट्राइबल महिलाएं पांची और परथान पहनती है। पांची लोअर पोर्शन है जबकि परथान अपर पोर्शन, जिन पर कल्चरल डिजाइन बनी होती है। एंड वही नॉन ट्राइबल महिलाएं बिहार की तरह ही ट्रेडिशनल तुषार सिल्क साड़ी पहनती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल झारखंडी कॉस्ट्यूम। अब बात करते हैं कर्नाटका की। भारत का सिल्क हब कहलाने वाला कर्नाटका साउदर्न इंडिया का काइंड ऑफ मोस्ट डाइवर्स स्टेट है, जो अपनी हेरिटेज, मल्टीलिंगुअल इथनिसिटी और हिस्ट्री के लिए फेमस है। कर्नाटका में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में लुंगी जिसे पंचे कहा जाता है वो, और उसके साथ शर्ट पहना जाता है। सिर पर ट्रेडिशनल मैसूर पेटा पहना जाता है। मैसूर पेटा स्पेशल सिल्क और जरी से बना होता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनली सिल्क साड़ी पहनती है जिन पर रिच जरी वर्क किया हुआ होता है। हालांकि कर्नाटका के कोडागु रीजन में लेडीज साड़ी को कुछ अलग टाइप में पहनती है। कर्नाटका में स्पेशली मैसूर सिल्क साड़ी, बेंगलोर सिल्क साड़ी और इकत साड़ी काफी फेमस है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल कर्नाटका कॉस्ट्यूम। एंड नेक्स्ट इज केरला, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट। केरला के लोग अपनी प्योरिटी, एलिगेंस और सिंप्लिसिटी से सभी का वेलकम करते हैं। केरला में मेल्स के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है मुंडुम। मुंडुम जो के केरला स्टाइल लुंगी है जिस पर गोल्डन बॉर्डर बनी होती है। मुंडुम के साथ अपर पोर्शन को कवर करने के लिए सिंपल व्हाइट शर्ट या मेल मुंडु जो के शॉल टाइप पहना जाता है उसका यूज होता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनली मुंडुम नेरिया थुम पहनती है। मुंडुम दोनों ही मेल्स और फीमेल्स पहनते हैं, लेकिन फीमेल्स के मुंडुम ज्यादा डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी वाले होते हैं। महिलाएं मुंडुम के साथ नेरियाथम को साड़ी के स्टाइल में पहनती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल केरला कॉस्ट्यूम। और अगर बात करें न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, तो यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेस स्पेशली वहाँ के हार्श वेदर से बचाते हैं। लद्दाखी पुरुष ट्रेडिशनल गोंचा पहनते हैं। गोंचा एक कोट टाइप मोटा कपड़ा होता है जो वूल, वेलवेट और पॉलिस्टर को मिला के बनाया जाता है। इसके ऊपर कमर पर स्केराग नामक बेल्ट बांधा जाता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनली ब्लाउज के साथ सुलमा पहनती है। सुलमा ब्राइट कलर का होता है और ऊपर से कमर पर स्केराग बेल्ट बांधा जाता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल लद्दाखी कॉस्ट्यूम।
एक और यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ के भी ट्रेडिशनल आउटफिट ब्यूटीफुल और कलरफुल है। लक्षद्वीप में पुरुष ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप में व्हाइट या कलरफुल लुंगी पहनते हैं और शरीर के ऊपरी भाग पर सिल्क या कॉटन से बना कपड़ा पहना जाता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनल कच्ची पहनती है। कच्ची भी लुंगी जैसा ही कपड़ा होता है और कच्ची के ऊपर फुल स्लीव एम्ब्रॉयडरी वाली जैकेट पहनी जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल लक्षद्वीप कॉस्ट्यूम। ओके, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। हार्ट ऑफ इंडिया कहलाने वाले मध्य प्रदेश के लोगों के समुदायों की डाइवर्सिटी ने इस राज्य को एक अनूठी संस्कृति प्रदान की है। एमपी की संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट यहाँ के ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम भी है। मध्य प्रदेश में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में सिंपल धोती कुर्ता के साथ ऊपर से ट्रेडिशनल जैकेट जिसे मिर्जाई या बंदी कहा जाता है वो पहना जाता है और सिर पर साफा जो कि एक पगड़ी टाइप होता है उसे बांधा जाता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनल कलरफुल लहंगा चोली पहनती है। लहंगा लोअर पार्ट है और चोली अपर पार्ट एंड इसके साथ सपोर्ट में ओढ़नी डाली जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश में साड़ियां भी पॉपुलर है। यहाँ की बांधनी साड़ी, माहेश्वरी साड़ी और चंदेरी साड़ी काफी फेमस है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल एमपी कॉस्ट्यूम। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र नाम का अर्थ ही ग्रेट स्टेट है, जो अपनी समृद्ध संस्कृति, परंपरा, भाषा और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राज्य की स्पेशल ड्रेसिंग स्टाइल भी इसे बाकी राज्यों से अलग बनाता है। महाराष्ट्र में पुरुष ट्रेडिशनली धोती जिसे धोतर कहा जाता है वो और उसके साथ कॉटन का कुर्ता पहनते हैं। सिर पर पगड़ी जिसे फेटा कहा जाता है वो बांधा जाता है जो उनके स्टनिंग लुक को कम्प्लीट करता है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनली चोली या शॉर्ट ब्लाउज के साथ 9 yard लंबी नौवारी साड़ी जिसे लुगड़ा भी कहा जाता है उसे पहनती है। ये साड़ी स्पेशल टेक्निक से पहनी जाती है जो कि काइंड ऑफ धोती टाइप लगती है। साड़ी के साथ मराठा और पेशवा स्टाइल की हैवी ज्वेलरी लुक को और भी ज्यादा रॉयल बनाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में पेठानी साड़ी भी काफी पॉपुलर है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज मणिपुर। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का एक ब्यूटीफुल स्टेट जो भी एक ट्राइबल स्टेट है। मणिपुर के लोगों का भी अपना अलग ट्रेडिशन है। मणिपुरी पुरुष ट्रेडिशनली सिंपल व्हाइट धोती के साथ ब्राइट जैकेट पहनते हैं और सिर पर व्हाइट पगड़ी बांधी जाती है, जबकि मणिपुरी महिलाएं फानेक या सारोंग जो कि स्कर्ट है उसे पहनती है। फानेक स्ट्रिप डिजाइन में बनाया जाता है जिसके साथ शॉर्ट ब्लाउज और ऊपर से ट्रेडिशनल इनाप्पी शॉल पहनी जाती है। मणिपुरी कॉस्ट्यूम पर पैटर्न्स और डिजाइंस काफी यूनिक और कलरफुल होती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल मणिपुरी कॉस्ट्यूम। अब नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय भारत का वन ऑफ द मोस्ट कल्चरली रिच स्टेट है। यहाँ भी कई सारी ट्राइब्स है जैसे कि गारो, खासी और जेंतिया ट्राइब्स, और सभी के अपने अलग अलग ट्रेडिशनल पोशाक है। मेघालय में खासी ट्राइब के पुरुषों की ट्रेडिशनल ड्रेस है जमफोंग। ये एक बिना कॉलर वाला स्लीवलेस लंबा कोट है जिसे सामने से बांधा जाता है, जबकि खासी महिलाएं ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप में जेनसेम पहनती है जो कि मोस्ट ऑफ मुलवेरी सिल्क से बनाया जाता है। जेनसेम के ऊपर कॉटन शॉल जिसे तप मो खली कहते हैं वो पहना जाता है। एंड वही गारो ट्राइब के पुरुष ट्रेडिशनली लॉइन क्लॉथ पहनते हैं, जबकि महिलाएं ब्लाउज के साथ एकिंग नामक स्कर्ट पहनती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल मेघालय कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट बात करते हैं मिजोरम की। किसी ने सच ही कहा है कि आपकी संस्कृति आपका ब्रांड है, और मिजोरम के लोगों ने अपने संस्कृति को अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के तौर पर आज भी जिंदा रखा है। मिजोरम में पुरुष अपने ट्रेडिशनल ड्रेस के रूप में 7x5 feet लंबा कपड़ा पहनते हैं, जिस पर वो व्हाइट कोट और रेड बैंड लगाते हैं और सिर पर सफेद टर्बन पहनी जाती है, जबकि मिजोरम में महिलाएं ट्रेडिशनली पुआन जो कि एक ट्रेडिशनल डिजाइन वाला स्कर्ट है वो पहनती है और उसके साथ पुआन चेई या कावरे ची ब्लाउज जोड़ी में पहना जाता है। पुआन भारत के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एथनिक ड्रेसेस में से एक है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल मिजोरम कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज नागालैंड। भारत का ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी एक ट्राइबल स्टेट है। यहाँ भी कई सारी ट्राइब्स रहती है और सभी के अपने अलग ट्रेडिशंस है, बट नागालैंड अपने ब्यूटीफुल और यूनिक शॉल्स के लिए काफी फेमस है। और अगर बात करें ट्रेडिशनल ड्रेसेस की तो नागालैंड में अंगामी ट्राइब में पुरुष ट्रेडिशनली स्कर्ट जैसा ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा और उसके साथ ट्रेडिशनल शॉल रतपफे पहनते हैं, जबकि महिलाएं स्लीवलेस टॉप जिसे वाची कहा जाता है वो और उसके साथ नेइखरो नामक पेटी
पेटीकोट और फेमहो नामक स्कर्ट पहनते हैं। इन सभी पर नागालैंड की ट्रेडिशनल डिजाइन और एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल नागालैंड कॉस्ट्यूम। चलिए अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा भारत का एक यूनिक कल्चरल स्टेट है और इसका इतिहास भी बहुत प्राचीन है। ओडिया लोग काफी रिलीजियस माने जाते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में भी रिफ्लेक्ट होता है। ओडिशा में पुरुषों का ट्रेडिशनल ड्रेस भी धोती और कुर्ता है और उसके साथ ट्रेडिशनल गमूछा उनके लुक को कम्प्लीट बनाता है। जबकि ओडिशा में महिलाएं ट्रेडिशनली ब्यूटीफुल बॉर्डर वाली साड़ी पहनती है, जिसे धारदिया कहा जाता है। ओडिशा में साड़ी पहनने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ओडिशा की स्पेशली कटकी साड़ी और संबलपुरी साड़ी काफी फेमस है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल ओडिया कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट है पंजाब। आनंद और उत्साह, ये दो शब्द ही बेस्ट है फन लिविंग पंजाबीज को डिस्क्राइब करने के लिए। पंजाब में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है कुर्ता और मुक्तसरी पजामा, एंड सिर पर पहना जाता है पंजाबी पुरुषों की शान पगड़ी, जिसे पग भी कहा जाता है। जबकि पंजाबी महिलाएं ट्रेडिशनली कलरफुल कुर्ती के साथ पटियाला सलवार या चूड़ीदार पहनती है और पैरों में पंजाब की स्पेशल एम्ब्रॉयडरी वाली जुत्ती, जो उनके लुक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देती है। ये जुत्तियां पूरे भारत में काफी फेमस है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल पंजाबी कॉस्ट्यूम। ओके, अब नेक्स्ट है राजस्थान, द लैंड ऑफ किंग्स। राजस्थान भारत का हिस्टोरिक स्टेट है। राजस्थान का समृद्ध कल्चर और विरासत भारतीयों को काइंड ऑफ गर्व से भर देता है। राजस्थान में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है धोती या चूड़ीदार और उसके साथ ट्रेडिशनल टॉप अंगरखा। सिर पर सफेद पगड़ी बांधी जाती है, जिसे स्थानिक लोग साफा कहते हैं। जबकि राजस्थानी महिलाएं ट्रेडिशनल पोशाक के रूप में लंबा कलरफुल घाघरा और उसके साथ ब्लाउज, जिसे कांचली या कुर्ती कहा जाता है, उसे पहनते हैं। ऊपर से सिर को ढकने के लिए ट्रेडिशनल ब्राइट कलर की ओढ़नी पहनी जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल राजस्थानी कॉस्ट्यूम। अब बात करते हैं सिक्किम की। ब्यूटीफुल पहाड़ी इलाकों वाला भारत का ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भी मल्टीकल्चरल और मल्टी इथनिक स्टेट है। सिक्किम में पुरुषों के ट्रेडिशनल आउटफिट में आता है बाखू, या जिसे खो भी कहा जाता है। ये सिक्किम के भूतिया कम्युनिटी का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जिसे ट्राउजर्स और कमर में बेल्ट के साथ पहना जाता है, एंड इसके साथ पैरों में एम्ब्रॉयडरी वाले लेदर बूट लुक को कम्प्लीट करते हैं। जबकि सिक्किमीज महिलाएं दुमवुम नामक ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है, जिसके साथ लूज ब्लाउज, टागो और ट्रेडिशनल सिक्किमीज बेल्ट न्याम रेख पहनी जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल सिक्किमीज कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु अपने असाधारण मंदिर, डिलीशियस फूड और रिच कल्चर के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की समृद्ध संस्कृति का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट उसके ट्रेडिशनल क्लोथ्स भी है। तमिलनाडु में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में लुंगी, जिसे वेष्टी कहा जाता है, वो आता है और लुंगी के साथ शर्ट और अंगवस्त्र ऊपर पहना जाता है। तमिलनाडु में लुंगी कई तरीकों से पहनी जाती है, जबकि तमिल फीमेल्स ट्रेडिशनली वहां की स्पेशल कांचीपुरम या कांजीवरम साड़ी पहनती है। कांजीवरम साड़ी का टेक्सचर और स्टाइल भारत की दूसरी साड़ियों से अलग है, जो काफी फेमस है। तमिल वुमन्स का लुक हैवी ट्रेडिशनल ज्वेलरी के बिना अधूरा है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल तमिलियन कॉस्ट्यूम। अगली बारी है तेलंगाना की। तेलंगाना भारत का यंगेस्ट स्टेट है, जो अपने कल्चर और आर्ट की क्रिएटिविटी के लिए फेमस है। तेलंगाना में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है धोती, जिसे स्थानिक पंचा कहते हैं, और उसके साथ कुर्ता और अंगवस्त्र पहना जाता है। जबकि महिलाएं ट्रेडिशनल साड़ियां, जैसे कि पोचमपल्ली सिल्क साड़ी, गढ़वाल साड़ी और इकत साड़ी पहनती है। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश की तरह ही हाफ साड़ी लंगा ऊनी भी ट्रेडिशनली पहनी जाती है। एंड अगर बात करें तेलंगाना के मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम पुरुष ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहनते हैं और सिर पर फेस कैप पहनी जाती है, जबकि मुस्लिम महिलाएं ट्रेडिशनल सलवार कमीज पहनती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल तेलंगाना कॉस्ट्यूम। नेक्स्ट इज त्रिपुरा। भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी का घर है और यहाँ के आउटफिट भी डिजाइन और पैटर्न के मामले में काफी डाइवर्स है। त्रिपुरा में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है रिकुतु, जो के शरीर के लोअर पार्ट को कवर करता है। रिकुतु के साथ वहाँ की ट्रेडिशनल शर्ट, जिसका नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, वो पहनी जाती है और साथ में गमूछा उनके लुक को कम्प्लीट करता है। जबकि त्रिपुरी महिलाएं भी रिकुतु पहनती है। महिलाओं के रिकुतु सुंदर एम्ब्रॉयडरी
एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाले होते हैं। महिलाएं रिकुतु के साथ ट्रेडिशनल कपड़ा रिसा पहनती है जो उनके अपर पार्ट को कवर करता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल त्रिपुरी कॉस्ट्यूम। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य। कलरफुल उत्तर प्रदेश की हर एक चीज यूनिक और मेस्मराइज करने वाली है। उत्तर प्रदेश में ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें तो पुरुष सिंपल कुर्ता के साथ धोती या पजामा पहनते हैं और सिर पर टोपी या पगड़ी पहनी जाती है, जबकि महिलाएं ट्रेडिशनल साड़ी पहनती है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल बनारसी साड़ी पूरे भारत में फेमस है। इन बनारसी साड़ियों पर खास पैटर्न और डिजाइन का हेवी वर्क किया जाता है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल यूपी कॉस्ट्यूम। ओके, अब नेक्स्ट है उत्तराखंड, भारत के लिए देवभूमि कहा जाने वाले उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हिंदू मंदिर है जो राज्य की पवित्रता और शांति का प्रतीक है। उत्तराखंड में पुरुषों के ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है धोती, चूड़ीदार या लुंगी के साथ शर्ट या कुर्ता। इस सिंपल लुक के साथ सिर पर ट्रेडिशनल जवाहर टोपी पहनी जाती है, जबकि उत्तराखंड में महिलाएं ट्रेडिशनली लंबी स्कर्ट जिसे घाघरी कहा जाता है वो चोली के साथ पहनती है और ऊपर से ब्राइट कलर की ओढ़नी ओढ़ी जाती है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल उत्तराखंडी कॉस्ट्यूम। एंड लास्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का रिच कल्चर और हेरिटेज वहाँ के साहित्य, फूड, म्यूजिक, पेंटिंग और लगभग सभी चीजों में दिखता है। वेस्ट बंगाल में भी पुरुषों का ट्रेडिशनल ड्रेस है धोती और वहाँ के ट्रेडिशनल सिल्क से बना कुर्ता या पंजाबी। बंगाली कुर्ता में स्पेशल खास हल्की एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बनी होती है, जबकि महिलाओं की ट्रेडिशनल पोशाक की बात करें तो बंगाली महिलाओं की छवि बंगाली साड़ी के बिना पूरी नहीं होती। खासकर ट्रेडिशनल कोरियल और गरत साड़ी जो कि व्हाइट या ग्रेश कलर की होती है और उनकी ब्राइट रेड या मरून बॉर्डर होती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में ढाकाई जामदानी साड़ी, मुर्शिदाबाद सिल्क साड़ी और तुषार सिल्क साड़ी भी काफी पॉपुलर है। एंड हियर इज द लुक ऑफ ट्रेडिशनल बंगाली कॉस्ट्यूम। तो बस दोस्तों, ये हो गए सारे ट्रेडिशनल पोशाक, लेकिन फिलहाल भारत में इन्हें सिर्फ कुछ त्योहार या स्पेशल ओकेशंस पर ही पहना जाता है, क्योंकि नई जनरेशन के लोग बड़ी मात्रा में वेस्टर्न कपड़े अपना रहे हैं और जेन्युइनली हम भी ज्यादातर टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर्स और गाउन्स ही पहनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमें हमारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस को भी ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। वैसे आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, कुछ नई इंटरेस्टिंग जानकारी मिली हो तो हमारे वर्क को सपोर्ट करने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।